नमस्कार, मैं विराज और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। भारत में क्रिकेट हिंदुस्तानी युवाओं का पसंदीदा खेल है। भारतीयों के लिए इसे एक सिर्फ खेल कहना काफी नहीं होगा। इस खेल से हम सबके एक एहसास जुड़ा है। इस खेल में खेले जाने वाले टेस्ट सीरीज से लेकर T20 और IPL तक लोग अपने एक परिवार वालों के साथ बैठकर देखते हैं, और वहीं जब वर्ल्ड कप होता है तो उसे तो एक महोत्सव की तरह मनाया जाता है। लेकिन क्रिकेट खेल का मजा कई गुना ज्यादा सिर्फ उस खेल में होने वाली कमेंट्री की वजह से आता है। ये कमेंट्री दर्शकों में एक नया जोश भर देती है। तो अभी तक आपने हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं में कमेंट्री तो सुनी होगी और उसे सुनकर खेल का मजा भी उठाया होगा। लेकिन आज हम हमारे क्रिकेट प्रेमियों के लिए कुछ खास लेकर आए हैं। क्या आपने कभी संस्कृत में कमेंट्री सुनी है? अगर नहीं सुनी तो चलिए आपकी ये हसरत भी आज हम पूरी कर देते हैं और आपको एक ऐसा क्रिकेट मैच दिखाते हैं जिसमें खिलाड़ियों ने भारतीय संस्कृति से जोड़ते हुए भारतीय परंपरा के मुताबिक धोती और कुर्ते में खेला। और साथ ही बता दें कि भोपाल के अंकुर क्रिकेट ग्राउंड में, जहां खिलाड़ियों ने क्रिकेट को परंपरा से जोड़ते हुए धोती में खेला और खेल में कमेंट्री हिंदी या अंग्रेजी भाषा में नहीं बल्कि भारत ही नहीं दुनिया की सबसे पौराणिक भाषा यानी कि देव भाषा संस्कृत में की, जिसे देख दर्शकों ने बड़े ही मजे लेकर देखा। और आप भी देखें ये वीडियो कि कैसे ये खिलाड़ी मजे लेकर और साथ ही साथ अपने भारतीय संस्कृति को दर्शा रहे हैं। धावनांकः अनेन अर्जितः षड् धावनांकः इत्युक्ते आङ्ग्लभाषायां सिक्स् रन्। तो देखा आपने कि कैसे यहाँ खिलाड़ियों ने पहन रखा था धोती कुर्ता, मस्तक पर त्रिपुंड और टीका, गले में रुद्राक्ष की माला। माहौल ऐसा था कि मानो आसपास कोई यज्ञ का आयोजन हो या फिर पूजा पाठ हो। लेकिन यहाँ तो पंडितों ने पट कुंदुक यानी कि क्रिकेट का मैच खेला जा रहा था। अतीव सुंदरतया कंदुक प्रक्षेपणम फलक धार का स्तब्ध जात दंदाग्रह पादे कंदु स्पर्शाद बहिर्भूत कंदुक से रेखाए बहिर्गमन। अंकुर खेल मैदान में दिन भर चली क्रिकेट की संस्कृत में कमेंट्री लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती रही। चतुर धावनाकम चौका, षड धावनाकम दब्ध यानी कि छक्का जब भी गूंजा जमकर तालियां बजी। मौका था महर्षि महेश योगी के 104वें जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित 3 दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता का। इस खेल में कमेंट्रेटर देवेंद्र दुबे, डॉक्टर रमन मिश्रा, अंकुर पांडे ने कई बार मौजूदा दर्शकों की तालियां बटोरी। खिलाड़ियों का उत्साह भी देखने लायक था। खिलाड़ी फील्डिंग लगाने से लेकर बातचीत भी संस्कृत में कर रहे थे। मैच के अंपायरिंग अभिषेक शर्मा व मिथुन शर्मा कर रहे थे और इसी के साथ खिलाड़ी टीका त्रिपुंड लगाकर धोती धारण कर रखे थे। बता दें रविवार को 8-8 ओवर का पहला मैच गांधीनगर और गुफा मंदिर के बीच खेला गया। इसमें गुफा मंदिर की टीम जीती। वहीं दूसरा मैच लाल घाटी क्लब और विश्वनाथ एकादश के बीच खेला गया। इस रोमांचक मुकाबले में विश्वनाथ एकादश की जीत हुई। तीसरा मैच महर्षि क्लब और नीलकंठ के बीच हुआ। इसमें नीलकंठ क्लब में जीत हुई। और साथ ही चौथा मैच महर्षि वैदिक एकादश और संदीप शास्त्र क्लब के बीच खेला गया। आयोजक पंडित कपिल शर्मा ने बताया कि स्पर्धा का आयोजन महर्षि महेश योगी के 104वें जन्मोत्सव के उपलक्ष्य पर रखा गया है। तो वहीं प्रतियोगिताओं के पुरस्कार के रूप में वेद पुस्तिकाएं प्रदान की जाती हैं। यहां प्लेयर ऑफ द मैच को एक वेद पुस्तक मिलती है जबकि मैन ऑफ द सीरीज के लिए पंचांग रखा गया है। साथ ही विजेता टीम को 5001 और उपविजेता को 2100 रुपए का पुरस्कार का इनाम रखा गया है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये खेल इतने नए ढंग से क्यों खेला गया, तो इसका जवाब देते हुए संस्कृति बचाओ मंच के चंद्रशेखर तिवारी ने बताया कि देश भर में देव भाषा के नाम से जाने जाने वाली संस्कृत भाषा को प्रमोट करने और लोगों को इससे जागरूक करने के उद्देश्य से ये अनोखी क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें राजधानी भोपाल के तमाम कर्मकांडी ब्राह्मण धोती कुर्ता पहनकर क्रिकेट के बल्ले पर हाथ आजमा रहे हैं। और साथ ही भोपाल के अलग अलग इलाकों से अंकुर परिसर में पहुंचे कर्मकांडी ब्राह्मण होने धोती कुर्ते में क्रिकेट के जौहर दिखाई दिए। इसी के साथ मैदान पर संस्कृत भाषा में कमेंट्री भी आकर्षण का केंद्र बनी। इसका उद्देश्य अपनी संस्कृत की नई पीढ़ी को रूबरू कराना और संस्कृत भाषा का प्रचार प्रसार करना था। तो चलिए अब आपको क्रिकेट भाषा के कुछ अहम वस्तुओं के संस्कृत शब्द के क्या मतलब होते हैं ये आपको बताते हैं। काष्ठ पटट यानी कि बैट, कंदुकम यानी कि बॉल, कंदुक शेपक यानी कि बॉलर, क्षेत्र रक्षक फील्डर, क्रीड़ागणम पिच, कंदुक समूह ओवर,
और कराबदम कैच। तो कैसी लगी आपको यह खबर, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर इसका जवाब जरूर बताएं। और संस्कृत भाषा को अपने जीवन शैली में लाने के लिए आप भी दिन रात जतन करें ताकि संस्कृत भाषा हमेशा के लिए अमर रहे। फिलहाल के लिए इस खबर में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी ताजा तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहे वीके न्यूज। धन्यवाद।